नमस्ते हिंदुस्तान, हम बलराम किसान हैं और आप है ओटू पार्क में। मैं आज हूँ जोधपुर और मेरे साथ एक शख्सियत है एमडी खान साहब, जो हमारे साथ ओटू पार्क में आगे बढ़ने जा रहे हैं। मैं उनका परिचय कराता हूँ। एक सेकंड, ऑक्सीजन सभी को चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखिए। खान साहब नमस्ते। नमस्ते, आपका थोड़ा परिचय दीजिए, पूरे भारत को समझ में आए हम कहाँ पर हैं। मेरा नाम एमडी खान जी, जोधपुर। ओके, 1984 रोड। ओके, अपोजिट ओएस मोटर्स। खान सर, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। जिस उम्र के आप हैं, आपका जो तजुर्बा है, आपकी जो सफ़ेदी है और आपने जो कार्य किए हैं, एक तो थोड़ा वो भी बताइए कि आपने क्या कार्य किए हैं भारत के लिए और बलराम से कैसे मिलना चाहा। सर, एक्चुअल मेरा निजी काम तो मेरा जो है माइंस का था। ओके, और प्लस मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ अप्रूव, तो उसमें मैंने जो है इरिगेशन में भी काम किया है। ओके, डैम वगैरह इसका भी मैंने काम किया है। ओके, और उसके बाद में मेरे जो है जमीन पैसे करीब करीब नियर अबाउट 250 बीघा जमीन अभी मेरे पास में मौजूद है। ओके, गुड। और वैसे तो मतलब जो है मेरे को खेती बाड़ी का शौक है, ट्रांसपोर्ट मेरा ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी है। हाँ, ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी है, क्योंकि okay. जो है हमारे पास वो बड़े ट्रक है तो वो ट्रांसपोर्ट का भी है। ओके, बस ये है मेरा। खान सर, आपने किसान पाठशाला के साथ चलना, ओटू के साथ चलना, ये मैंने कहां से सीखा? ये मैंने एक्चुअली जो है यूट्यूब के ऊपर आपका पहले मैंने प्रोग्राम देखा। ओके, और एक प्रोग्राम नहीं, मैंने बहुत से प्रोग्राम देखे, वो सब मेरे पास अपलोड किए हुए हैं, सेव किए हुए हैं। ओके, तो उनसे मैं प्रभावित हुआ और उसको लेकर के मैंने इसके अंदर ये प्लांटेशन जो इसका है बम्बू का, बेम्बू प्लांटेशन, तो बेम्बू का मैं उसका मैंने बहुत गौर किया और मेरे पास जो ऐसी जमीन है पोखरण में तो वो नियर अबाउट 100 बीघा है। ओके, तो मैं देखूं कि उसके अंदर मैं टोटल बम्बू ही लगाऊं। ओके, जो थोड़ी जमीन मामूली वो पथरीली भी है। आप जैसे मित्र ना खान साहब, जो रेगिस्तान को वापस राजस्थान बनाने की तरफ जा रहे हैं, प्रकृति में हरियाली क्रिएट कर रहे हैं, उनको तो मैं दिल से सलाम करूंगा। और आपने जो सोच बनाई है कि पोखरण में जो डेजर्ट लैंड है, जो पथरीली जमीन है, जो वेस्ट लैंड है, उसमें क्या बेस्ट किया जा सके, उसके लिए आपने ओटू को अप्रोच किया है, बलराम को अप्रोच किया है, तो डेफिनेटली हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं कल वो विज़िट करने वाला हूँ आपकी साइट को सर। और पूरे वर्ल्ड को मैं बतला दूँ, हरियाली के लिए ओटू आगे बढ़ चुका है। क्या आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ओटू पार्क आपके साथ में है। बिल्कुल, जैसे एमडी खान साहब ने हमसे अप्रोच किया और उनकी जो बैरन लैंड है वहाँ पर 100 एकड़ में वो कुछ प्लान कर रहे हैं, बैम्बू प्लांटेशन, ग्रीनरीफिकेशन और आने वाले समय में ऑक्सीजन पार्क, तो क्या आप चाहते हैं ओटू जनरेटर बनना? तो खान साहब जैसे हमारे साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले ओटू जनरेटर बन रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की मुहिम में हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, यूएनएफसी में आगे जाना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपसे भी प्रश्न है। यस यस, बिल्कुल बनना चाह रहे हैं। ओके, तो ओटू आपके साथ में है और कल हम खान साहब की साइट पर रहेंगे, मैं उसकी डिटेल शेयर करता हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू खान साहब, थैंक यू। आइए बढ़ते हैं और कुछ H2E2 पर काम करते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। थैंक यू। ओके ओके।